name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. My name is Miss Mehvish and I'm here to teach you social studies for class 4. ठीक है, इसको अब हम इसका एक डिफरेंट नाम अब आप इसे उर्दू में पढ़ोगे और इससे अब हम कहेंगे माशरत उलूम. ठीक है, यानी अब आज से सोशल स्टडीज़ उर्दू में हम पढ़ेंगे. ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि ये उर्दू में भी उतनी ही ईजी है जिस तरह से ये इंग्लिश में ईजी थी. ठीक है, आपके चैप्टर का जो नाम है, लेक्चर नंबर 4 है, आपके चैप्टर का नाम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ज़राए अबलाग. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए अबलाग का क्या मतलब है? ज़राए अबलाग वो तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम लोग जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात जो हमारे पास है हम इसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. इसे कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ज़राए अबलाग. कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी से अपनी बात कहना और किसी की बात सुनना. तो अब हम देखते हैं कि आजकल के दौर में हम किन तरीक़ों से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं. एक तो हम नॉर्मल आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बात करते हैं ना, मुँह से अपनी बोलते हैं. ठीक है, और इसके अलावा और भी जब हमें अपनी बात कहीं और पहुंचानी होती है, कोई सामने बैठा तो हम उससे बात कर सकते हैं, मुँह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं. लेकिन अगर कोई बहुत दूर है, अगर हमने किसी से अपनी बात को कन्वे करना है, पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं. तो इसके अलावा, मोबाइल फ़ोन के अलावा और हमारे बोलने के अलावा और भी इस तरह के बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपनी मालूमात जो है, अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं. तो ज़राए अबलाग की पहले एक दफ़ा हम इसकी रीडिंग करके इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, मैं पेज नंबर 23 से रीड कर रही हूँ. ठीक है, उम्मीद है कि आप सबने बुक्स भी ओपन कर ली होंगी. वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इतलात, मालूमात का तबादला करते हैं. तबादला का मतलब होता है पहुँचाना. उन्हें मीन्स, ज़राए इबलाग यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं. ठीक है, जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन, कोई भी पैगाम, अपनी कोई भी पिक्चर, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप दूसरे का पहुँचाते हो, वो ज़राए इबलाग कहलाते हैं. कदीम दौर से लेकर जदीद दौर तक बहुत से ज़राए इबलाग हमारी मालूमात से हमें मालूमात हासिल होती रही हैं. आइए इन चंद के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, पहले ज़माने में ज़राए अबलाग जो थे वो डिफरेंट थे. लोग ख़त लिखा करते थे. पहले जब रेडियो और टीवी भी नहीं होता था, तब लोग ख़तों के ज़रिए बात करते थे, या किताबों के ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन लेते थे. लेकिन अब टाइम बदल गया, तो अब जो है वो ज़राए अबलाग भी बदल गए हैं. अच्छा, एक सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो है आर्ट. ठीक है, आर्ट पैगाम रसानी का एक इंतहाई कदीम, कदीम का मतलब होता है पुराना और अव्वलीन तरीका है. आर्ट का आगाज़ इस वक्त हुआ जब लोग गारों में रहते थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे. इस वक्त लोग अपने एहसास, ख्यालात, तस्वुरात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीर का इस्तेमाल करते थे. तब बहुत पुरानी बात है, जब ये सारी ज़ुबानें उर्दू और इंग्लिश से जब ज़ुबानें ईजाद नहीं हुई थी, इंसानों को जब लैंग्वेज नहीं आती थी कि हम कौन सी ज़ुबान सीखें, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, जो भी ज़ुबानें हैं, तो उस टाइम लोग जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोई जो है वो पिक्चर्स का यूज़ करते थे, आर्ट का यूज़ करते थे. ठीक है, पहले पिक्चर वाली लैंग्वेज हुआ करती थी. पिक्चर्स से हम अपनी पिक्चर्स, जैसे आप लोग अभी वर्ड लिखते हो, अल्फ़ाबेट लिखते हो, उर्दू लिखते हो या इंग्लिश लिखते हो, अल्फ़ाबेट्स, पहले ये चीज़ें नहीं थी. तो पहले लोग पिक्चर्स के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाया करते थे. जैसे यहाँ पर एक आर्ट में यहाँ पर एक तीर बना हुआ है, तो ये पिक्चर शो कर रही है, जंग को शो कर रही है, और जो है वो उसको एक जो है वो जो जंग लड़ने वाला है उसको शो कर रही है. इसी तरह हमारे अराउंड जितनी भी पिक्चर्स हैं उनका कोई ना कोई मैसेज होता है. आपके स्कूल में इतने बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, पिक्चर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है. कुछ पिक्चर्स हमें हैप्पी मैसेज दे रही होती हैं, फ़नी मैसेज दे रही होती हैं, और कुछ पिक्चर्स हमें जो है वो सैड मैसेज दे रही होती हैं. जैसे आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स हैं और वो उनमें कोई ना कोई मैसेज होता है. तो यहाँ पर देखते हैं, इस वक्त लोग अपने ख्यालात, एहसासात का, जैसे अभी भी लोग अगर हम पेंटिंग्स देखें तो पेंटर्स होते हैं, उन्होंने अपने पिक्चर में कोई ना कोई मैसेज दिया होता है. और बाज़ पिक्चर्स इतनी ज़बरदस्त पेंट होती हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि पिक्चर्स जो है ये बहुत ज़्यादा हमें कोई ना कोई मैसेज दे रही है. अच्छा जी, उसके बाद है जी, वक्त गुजरने के साथ साथ आर्ट ने तरक्की की. ठीक है, आर्ट में पेंटिंग भी आ गई, बहुत सी चीज़ें आर्ट में आ जाती हैं. और
जो सख्त आती है वो भी हम एक तरह से आर्ट का हिस्सा है, उसमें भी हम अल्लाह ताला के नाम लिखते हैं या कुरानी आयत लिखते हैं, उसमें भी मैसेज होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ आर्ट ने तरक्की की और नावल नगारी, मौसीकी नावल होते हैं जिसमें कोई ना कोई स्टोरी होती है, जैसे आपके जो ड्रामाज हैं जो आप टीवी पे देखते हो ये नावल से ही एक तरह से बनते हैं, नावल में एक पूरी स्टोरी होती है। अच्छा, नावल नगारी, फिर मौसीकी म्यूज़िक भी एक आर्ट है, उसमें भी हम कोई ना कोई बात कन्वे करते हैं, जब भी कोई गाना हम जो है वो सुनते हैं उसमें भी कोई ना कोई मैसेज होता है। जैसे हमारे मिली नगमे हैं उनमें हम अपने मुल्क के लिए मैसेज जो हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो भी हमारे अपने मुल्क के लिए साथ हैं, जो भी फीलिंग्स हैं उसे हम गाने के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, नावल भी हो गया, मौसीकी भी, शायरी भी, शायरी से भी जैसे अल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी से जो अपना पैगाम था जो मुसलमानों का, जो मुसलमानों को जो उन्होंने पैगाम दिया वो अपनी शायरी के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाया, तो ये भी एक अपनी इंफॉर्मेशन दूसरा, हम लोग अक्सर होता है कि अपनी बात दूसरे से कहनी हो तो हम शेर की फॉर्म में कह देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मौसीकी, शायरी, थिएटर, थिएटर जो है ये स्टेज पे जो है वो ड्रामा लाइव परफॉर्म होता है, ये भी एक आर्ट का है, अभी इतना कॉमनली नहीं है, अब हम मोस्टली ड्रामाज ही देखते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो थिएटर जब आप लोगों का एनुअल फंक्शन होता है तो वो ड्रामा स्टेज पे तो परफॉर्म होता है, वो एक तरह से थिएटर ही है, वो जज्बा साजी है जिसमें स्कल्पचर्स बनाते हैं। और इसके अलावा मुसव्वरी भी आर्ट में शामिल है, ठीक है, वही पिक्चर पेंटिंग्स वगैरह, अगर आप अपनी इमेजिनेशन से या डिफरेंट सीनरीज की वो जो है वो पेंटिंग्स बनाते हो, ये भी आर्ट में शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कोई ना कोई मैसेज दे रही होती हैं, हमें कोई पैगाम दे रही होती हैं, यह हमारा दूसरों तक पैगाम पहुंचाने का एक ज़रिया है। उसके बाद है जी ज़ुबान, ठीक है, जाहिर सी बात है जब तक ज़ुबान नहीं होगी हम कैसे दूसरों से अपनी बात कहेंगे, कैसे दूसरे की बात समझेंगे। तो हर शख्स किसी न किसी ज़ुबान के अल्फाज और जुमले बोलकर बआसानी अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकता है। दुनिया में इस वक्त करीबन 6,000 से ज़्यादा ज़ुबानें मुख्तलिफ लबो लहजे के साथ बोली और समझी जाती हैं, ठीक है, 6,000 लैंग्वेजेस हैं। ज़ुबान सीखने और सिखाने का अमल सदियों से चला आ रहा है, बाज़ औक़ात एक ही खत्ते में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग आबाद हो जाते हैं, ऐसा जब लोगों का आपस में मेल जोल बढ़ता है तो एक दूसरे से ज़ुबान सीख लेते हैं। बिल्कुल, जब लोग बहुत से मुख्तलिफ इलाकों के लोग मुख्तलिफ ज़ुबान बोलते हैं, जब वो एक जगह जमा होते हैं तो वो आपस में, जैसे यहाँ पर बहुत से लोग जब फॉरेन यानी बाहर के जो मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ से उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, तो ऐसा ऐसा वो इंग्लिश सीख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान में फॉरेनर्स आते हैं और यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए स्टे करें तो वो उर्दू भी सीख जाते हैं। तो इस तरह जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे की लैंग्वेज को हम ऑटोमेटिकली ज़ुबान को सीख लेते हैं। अच्छा, उर्दू के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उर्दू भी जो उर्दू लैंग्वेज है ये ऐसे मतलब नहीं बनी थी, हुआ ये था कि बरेसगीर, यानी बरेसगीर वो इलाका है जो पाकिस्तान और इंडिया को मिला के, पाकिस्तान बनने से पहले वो जो इलाका था पाकिस्तान और इंडिया का इकट्ठा, उसको बरेसगीर कहते थे। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ कौमों के लोग आके आबाद हुए, कुछ लोग यहाँ पर तुर्की जो है वो से आए, कुछ लोग यहाँ पर अरब से आए यानी अरबी आए, कुछ लोग यहाँ पर फारस यानी ईरान से आए। जब वो लोग मिल के इकट्ठे रहे और उन्हें आपस में जब बातचीत शुरू की तो एक नई ज़ुबान जो थी वो बन गई जिसे उर्दू कहा जाता है, क्यों, इसीलिए उर्दू में अरबी के भी बहुत से अल्फाज शामिल हैं, तुर्की के भी बहुत से अल्फाज शामिल हैं, और जो है वो अरबी के, तुर्की के और फारसी के बहुत से वर्ड शामिल हैं। जैसे हमारा नेशनल एंथम है उसमें फ़ारसी के बहुत से वर्ड्स हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि वो पूरा का पूरा फ़ारसी में है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ उर्दू के भी हैं, हमें समझ भी आता है, लेकिन मोस्टली वर्ड्स हैं उसके फ़ारसी के हैं। चलें नेक्स्ट, ये थोड़ा ज़ुबान का कि ज़ुबान के ज़रिए हम इसीलिए कहते हैं कि हमें जो है वो ज़ुबान जो है वो आपको उस पर अच्छी तरह उस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए अपनी ज़ुबान पर। अक्सर आप लोगों को हम यहाँ पर स्कूल में कहते हैं कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी बोलें, वो इसलिए क्योंकि अगर हमने कहीं बाहर जाना है बाहर के कंट्रीज़ में तो ताकि अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो हम आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर सकेंगे, उनसे बातचीत कर सकेंगे, उनकी बात को समझ सकेंगे। तो इसीलिए ज़ुबान जो है जो आपकी लैंग्वेज है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, ऐसा भी नहीं, अपनी लैंग्वेज को भी अहमियत दें और जो दूसरी ज़ुबान है उसको भी सीखें ताकि हम आसानी से अपनी बात कर सकें। नेक्स्ट है जी खतूत,
ठीक है, खुद ख़त जो है ये पैगाम रसानी का पुराना ज़रिया है। ठीक है, पहले ज़मानों में जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो ख़त लिखने का बहुत ज़्यादा रिवाज होता था, और ये बड़े इसमें बहुत मज़ा आता था ख़त लिखने में, और इसको डाकखाने में लिख के डाकखाने में पोस्ट कर दिया जाता था। वहाँ से ये जहाँ जिस जगह हमने पहुँचाना है वहाँ पर ही चला जाता था, और ख़त लिखने में जो है तकरीबन काफ़ी दिन लग जाते थे, हफ्ते भी महीने भी। ठीक है, और अगर किसी ने अपना ख़त जल्दी, अब ख़तों का रवाज जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और अगर किसी ने जल्दी अपना ख़त जो है वो पहुँचाना है तो उसे अर्जेंट मेल सर्विस के ज़रिए जो है वो अपना पहुँचा सकता है। और इसके अलावा पोस्ट कार्ड जो है वो अब मोबाइल ने मोबाइल की वजह से तो पोस्ट कार्ड है उसका भी रवाज ख़त्म हो गया, वरना पहले लोग जो है वो एक दूसरे को कार्ड भेजा करते थे ख़तों के ज़रिए, यानी जब ईद आती थी तो लोग ईद कार्ड पोस्ट किया करते थे, इसी तरह कोई गम का मौका होता था तो तब लोग जो है वो ख़तों के ज़रिए एक दूसरे को इत्तला देते थे अगर कोई फोतगी हो गई है। जब हम अपने बचपन में थे तब भी ईद कार्ड्स का बहुत ज़्यादा रिवाज था, जब भी ईद आती थी तो हम सारे फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को कार्ड्स खरीद के देते थे। ठीक है, अब सिंपल हम मोबाइल पे मैसेज करते हैं जी ईद मुबारक, और जो भी आगे मैसेज होता है या वो पिक्चर्स आ जाती हैं या गिफ्ट आ जाते हैं और उससे हम अपनी बात कहते, लेकिन पहले जो है वो कार्ड्स का रिवाज होता था, उसमें बहुत मज़ा आता था। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि आर्ट, फिर पढ़ा ज़ुबान, और उसके बाद हमने पढ़ा खतूत। खतूत के ज़रिए जो है वो हम अपना पैगाम पहुंचाते थे, लेकिन अब ये इतने ज़्यादा आम नहीं है। अच्छा जी, एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि अंग्रेज़ी, चीनी और अरबी दुनिया की सबसे बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। सबसे पहले नंबर पर अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश बोली जाती है, और फिर चाइनीज़, और फिर अरबी। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ईमेल। ईमेल क्या चीज़ है? ये सबसे अब लेटेस्ट चीज़ है। अब ख़त को जो है वो किसने ख़त की जगह जो है वो ईमेल ने ले लिया। ठीक है, पहले लोग ख़त लिखते थे फिर उसे पोस्ट करके आते थे फिर वो पहुँचता था। ठीक है, अब ईमेल के ज़रिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए अपना मैसेज जो है वो पहुँचाते हैं। जदीद दौर में ईमेल पैगाम पहुँचाने का एक तेज़ तरीन ज़रिया है। हम ख़त की जदीद शक्ल को ईमेल भी कह सकते हैं। ईमेल लिखने के लिए आमतौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, हम उर्दू भी लिख सकते हैं। ईमेल में हम तस्वीर, वीडियो, ऑडियो पैगाम भी भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारा ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, और अगर किसी को पैगाम भेजना है तो वो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर ईमेल टाइप करे, एक बटन दबाते ही आपका पैगाम जो है वो किसी फर्द या ग्रुप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये दफ्तरी कारोबारी मामलात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी, मेरी दोस्त है उसको जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए या मेरे से कोई चीज़ चाहिए या उससे कुछ वो चाह रही है कि मैं उसे कुछ लिख के उसका कोई काम उसे भेजूँ, तो मैं जल्दी से ईमेल करूँगी। मैं वो पहले काम जो है वो टाइप कर लूँगी जल्दी से, और जिसके कि मैं उसको पहले प्रिंट करवाऊँ फिर उसे उसको पोस्ट करूँ, मैं डायरेक्ट उसको वो फाइल अटैच करके मैं उसको ईमेल कर दूंगी, वो अपने कंप्यूटर पे उसको खोल के देख लेगी। तो ये ईमेल जो है सबसे फास्ट, सबसे तेज़ तरीन तरीका है। ठीक है, इसके लिए आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जो कि हम मोस्टली जीमेल या हॉटमेल पे बनाते हैं, और फिर हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पर जो चीज़ हमने किसी को भेजनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास व्हाट्सएप नहीं है और आपकी फ्रेंड आपसे पिक्चर मांग रही है या कोई भी फाइल मांग रही है, कोई उसने पेंट पे कोई चीज़ बनाई है वो आपसे मांग रही है, तो आप क्या करोगे, आप ईमेल ओपन करके वो पिक्चर्स अटैच करके उसको सेंड कर सकते हो। या आपके अब्बू का कोई दफ्तर का काम है तो वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। अच्छा जी, ईमेल के बाद जो एक और अच्छी चीज़ जो अब मोस्टली यूज़ नहीं होती वो रेडियो है। रेडियो भी पहले ज़माने में, तकरीबन आज से 20-30 साल पहले रेडियो बहुत ज़्यादा कॉमन होता था, बल्कि 20-30 से भी पहले चले जाएँ, तकरीबन 40 साल पहले, जब जो है वो टीवी इतना कॉमन नहीं था, टीवी इतना आम नहीं था, तब लोग पहले रेडियो पे जो है वो रेडियो सुना करते थे। ठीक है, इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम लगते थे, आप उसको सुनते थे, आपको मालूमात हासिल होती थी। ठीक है, और इसमें मौसीकी भी होती थी, इसमें मतलब म्यूज़िक भी, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स भी होते थे, डिफरेंट डिस्कशंस के प्रोग्राम भी होते थे। ठीक है, रेडियो जो है, और पहले रेडियो बहुत ज़्यादा कॉमन था, लोग इसे सुना करते थे, लोगों के पास हर घर में एक रेडियो होता था, उसको ट्यून करते थे,
अब मोबाइल में भी आपके रेडियो है, अभी भी बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन अब इसका ट्रेंड, इसका जो रिवाज है वो कम हो गया है। उसके बाद टेलीविज़न, जब रेडियो को किसने रिप्लेस किया, पहले लोग रेडियो सुनते थे, लेकिन जब टेलीविज़न आया तो लोगों ने कहा कि वाह, इसमें तो आवाज़ के साथ जो है वो तस्वीर भी आ रही है, ये तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो फिर रेडियो जो है वो ऐसा सा ख़त्म हो गया, और जो है वो फिर लोग टीवी की तरफ आ गए, और टीवी भी जो है वो पहले उसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आती थी, और फिर जो है वो उसमें जो है वो कलर्ड पिक्चर्स आना शुरू हो गई। और पहले टीवी जो है वो इतना बड़ा सा होता था, एक बॉक्स की तरह होता था, अब टीवी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है, LCDs की फॉर्म में और LEDs की फॉर्म में। अच्छा जी, तो बच्चों के लिए कार्टून, तफरीही प्रोग्राम, बड़ों के लिए खबरें हो या कारोबारी मामलात, खवातीन के लिए पकवान, ठीक है, जो कुकिंग चैनल्स भी आ गए हैं, फिर जो है वो कार्टून्स भी बच्चों के लिए लगते हैं, अगर जो भी आपके अब्बू या दादा या चाचू हैं जो कि सुनते हैं खबरें, उनके लिए खबरों के चैनल्स भी हैं, मज़े मज़े के ड्रामे भी हैं जो कि आप लोगों ने रमज़ान में और छुट्टियों में देखे होंगे, हर तरह के प्रोग्राम टेलीविज़न पे पेश किए जाते हैं, ठीक है। आप सबको टीवी का पता है, और ये LCD और LED की फॉर्म में अभी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है, आप उसे दीवार पर लगाते हो, इतनी बड़ी बड़ी LCDs और LEDs, तो वो उसमें पिक्चर आपको बड़ी भी नज़र आती है, कलर्स भी अच्छे नज़र आते हैं। पहले जो टीवी होता था वो एक बॉक्स की फॉर्म में होता था, और उसकी मतलब एक छोटी सी स्क्रीन होती थी, और उसमें इतना देखने का मज़ा नहीं आता था। अब LCDs पे बड़ी बड़ी पिक्चर्स वो ज़्यादा अब इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, सबसे कॉमन चीज़ जो आप यूज़ करते हो। मोबाइल फ़ोन ने जो है वो हर चीज़ को जो है वो रिप्लेस कर दी है। कैसे भला, पहले लोगों के घर PTCL टेलीफोन होते थे, मोबाइल आया वो भी ख़त्म हो गए। पहले लोग अपने अलग-अलग कैमरा ख़रीदा करते थे, मोबाइल आया वो कैमरा भी ख़त्म हो गया। पहले लोग कैलकुलेटर भी ख़रीदा करते थे, अब मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर भी है। लोगों के पास रेडियो होता था, अब रेडियोज़ भी ख़त्म हो गए क्योंकि मोबाइल के अंदर ही रेडियो है। और लोग डिक्शनरी ख़रीदते थे, डिक्शनरी जिसमें वर्ड मीनिंग्स आप देखते हो, अब वो जो है वो गूगल के ऊपर खुद ही एक डिक्शनरी है, आप गूगल पे कोई भी वर्ड लिखोगे वो आपको उसका मतलब बता देगा। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये कंप्यूटर ने हमें ऑटोमेटिकली, ये मोबाइल ने हम लोगों को दे दिए हैं, अब हमें बाकी चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन भी पैगाम रसाने का आसान और तेज़ तरीन ज़रिया है, इस पर आप व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और अपना मैसेज जो है वो ईमेल के ज़रिए तो हम भेज, और मोबाइल के अंदर ईमेल की भी सहूलत है, हम इससे ईमेल भी भेज सकते हैं, तो आप ये भेज सकते हो, ठीक है। इसको हम रीड कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन भी पैगाम रसानी का आसान और तेज़ तरीन ज़रिया है, टेलीविज़न की बजाय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब लोग टीवी भी नहीं देखते, अब बहुत से लोगों ने जब ड्रामा देखना होता है तो वो टीवी की बजाय यूट्यूब पर ड्रामा डाउनलोड करके देख लेते हैं, तो मोबाइल ने टीवी को भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और बहुत से लोग जो हैं वो मोबाइल पे चैनल्स खोल के खबरें भी सुन लेते हैं, मैच होता है मैच भी देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन से किसी भी वक्त किसी से भी बगैर तार के रابطہ किया जाता है। पहले ज़माने में जो फ़ोन होते थे वो तारों के ज़रिए इंफॉर्मेशन जाती थी, लेकिन अब वायरलेस इंफॉर्मेशन जाती है, हवा के अंदर जो रेडियो वेव्स हैं वो मोबाइल के सिग्नल्स को कैच करके दूसरी जगह पहुँचा देती हैं। मोबाइल फ़ोन के बढ़ते रुझान की वजह से इसके स्मार्ट फीचर्स और एप्लीकेशंस हैं, इसके स्मार्ट फीचर्स एप्लीकेशन है, जैसा कि तस्वीर बनाने के लिए कैमरा है, किताब के हिसाब किताब के लिए कैलकुलेटर है, मुश्किल वर्ड्स के लिए हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, और सफ़र के दौरान जो है वो हम जैसे आप लोगों ने गूगल मैप देखा होगा, अगर आपने कहीं जाना है तो आप गूगल मैप ऑन कर लोगे और वो आपको बताता जाएगा कि टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट, जो भी आपको लोकेशन है। तो इतना ज़्यादा जो है वो मोबाइल जो है वो लेटेस्ट है, आप लोगों को अब ज़्यादा पता है, आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है ये है जी कंप्यूटर, ठीक है। इसको हम बेटा पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में, और इसकी एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड करना है, सारी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। अगर कोई वर्ड उर्दू का समझ नहीं आता उसको अंडरलाइन कर लो और उसे आप पूछ लो, अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर जब आप स्कूल आओगे तो इसको हम जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं उसका मीनिंग आपको टीचर बता देंगी, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और सबसे लास्ट में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। आपका जो मोबाइल है वो भी एक तरह से कंप्यूटर है। कंप्यूटर इब्लाग और मालूमात हासिल करने का ज़रिया है। आप सब आ जाओ पेज नंबर 27 पे। कंप्यूटर आपको बताए मालूमात हाँ, घर हो या स्कूल, दफ्तर हो या बैंक, हस्पताल, ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल आम है। कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और मोबाइल जो है वो अगर इंटरनेट के बगैर नहीं चलता तो वो इतना जो है वो मुफीद या यूज़फुल नहीं है। ठीक है, अगर उसके साथ इंटरनेट भी अटैच होगा तो वो असल फ़ायदा आपको तब देगा। हम किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दुनिया के किसी खित्ते या मुल्क के बारे में आगाही हासिल करनी हो या कोई तालीमी और कारोबारी मालूमात दरकार हो तो हम बआसानी कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस कोई भी सर्च करनी है, आप गूगल पे फ़ौरन लिखते हो कि इसके बारे में बता दें और गूगल जो है वो आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। और इसके अलावा इसकी मदद से अखबारात, रसाइल और कहानियाँ भी अब हम पढ़ सकते हैं। अब जो है वो अखबार आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो गूगल पे डिफरेंट पेजेस हैं जहाँ पर अखबार जो है वो वहाँ पर अपलोड होते हैं, वहाँ पर आप वहीं से अखबार को पढ़ सकते हो। ठीक है, कहानियाँ, बुक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी अब कंप्यूटर पे डिजिटल फॉर्म में आप उसको पढ़ सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है कि चार्ल्स बेबेज ने मुतअद्दिद तजर्बात के बाद 19वीं सदी में कंप्यूटर ईजाद किया था। 19वीं सदी यानी 90s के स्टार्ट में जो है वो 19 इस वाली सदी में कंप्यूटर बना था। उसने पहला कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। वो काफ़ी बड़े साइज़ का था लेकिन टाइम के साथ साथ कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता गया। और जब हम जदीद कंप्यूटर इस्तेमाल करें एक लिमिटेड इसका साइज़ है। और इसके पास अगर आप लोगों के पास किताबों की लाइब्रेरी नहीं है तो आप कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में बुक्स को सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये था जी आपका आपके ज़राए ब्लॉग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुश्किल बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हम आते हैं जी इसकी एक्सरसाइज और बुक वर्क की तरफ। तो आप सब अब इसको हम नोट से रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी इसकी एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन यानी मुख्तसर सवाल हैं। आपका पहला सवाल है, ज़राए अब्लाग से क्या मुराद है? वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात और या मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए अब्लाग कहलाते हैं। ठीक है, ये ईजी है। जब लोग, सवाल नंबर दो है, जब लोग गारों में रहते थे तब कौन सा पैगाम रसानी का ज़रिया इस्तेमाल करते थे? ये बहुत पहले का टाइम है। 8 पैगाम रसानी का कदीम और अव्वलीन ज़रिया है। जब तक लोग अपने एहसास और तसव्वुरात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, 8 पैगाम रसानी का इंतहाई कदीम और अव्वलीन ज़रिया है। तब लोग अपने एहसास और तसव्वुरात के लिए दूसरों तक पहुँचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा जी, दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? ज़ुबानें कौन सी हैं? अंग्रेज़ी, चीनी और अरबी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। सवाल नंबर 3 था ये। सवाल नंबर 4, इब्लाग के मुख्तलिफ ज़राए कौन कौन से हैं? 8, खतूत, रेडियो, ईमेल, मोबाइल वगैरह। और मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन क्यों कहा जाता है? मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऐसा बरकी आला है जिसके ज़रिए बग़ैर तार के हम बाहमी बातचीत और रबता कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई वायरस के साथ अटैच नहीं होती, स्मार्टफोन इसको इसलिए कहते हैं। और वैसे भी ये जो है अपनी शक्ल में भी ये स्मार्ट होता है, इसलिए भी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसका सवाल नंबर 1 है जी, कंप्यूटर किस तरह इब्लाग का बेहतरीन ज़रिया है? इसे यानी कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? कंप्यूटर इब्लाग और मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। घर हो या दफ्तर, बैंक हो, हस्पताल हो, ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल तकरीबन आम है। कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो हम किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से अखबारात, रसाले और कहानियाँ भी पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। और सवाल नंबर 2 है, ख़त और ईमेल में क्या फ़र्क है? ख़त भेजना पैगाम रसानी का पुराना ज़रिया है। पहले ज़माने में ख़त मिलने में काफ़ी दिन लग जाते थे लेकिन आज सरकारी डाकखाने की अर्जेंट मेल सर्विस के मदद से ख़त और पार्सल कुछ घंटों या एक दो दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, ख़त
पुराना ज़रिया है, इसमें काफ़ी दिन लगते हैं, इसमें डाकखाने में आपको ये भेजना पड़ता है, उसकी मदद से ये घंटों या कुछ दिनों में जाता है। जबकि ईमेल क्या है, दौरे जदीद में ईमेल पैगाम पहुँचाने का एक तेज़ तरीन ज़रिया है। हम ख़त की जदीद शक्ल को ईमेल कहते हैं और ईमेल लिखने के लिए आम तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप पे हम ईमेल करके एक बटन दबाने से आपका पैगाम मिनटों में जहाँ चाहे पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये ईमेल है। और इसके अलावा आपके यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी हैं, दुरुस्त वहाँ पर टिक लगाएं। टेलीविज़न की जदीद तरीन शक्ल क्या है जी, आर्ट, मोबाइल, रेडियो, एलईडी। दुनिया में इस वक्त ज़ुबानें बोली जाती हैं 6000 से ज़ायद, 7000 से, 8000 से या 9000 से। तो आपका करेक्ट आंसर है 6000 से ज़ायद। गारों में रहने वाले लोग अपने पैगाम पहुंचाते थे खतूत की शक्ल में, ईमेल की शक्ल में, आर्ट की शक्ल में, पोस्ट कार्ड की शक्ल में। तो हमने पढ़ा है कि गारों में रहने वाले लोग तस्वीरों के ज़रिए बात करते थे आर्ट की शक्ल में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने तसव्वुरात और पैगाम का तबादला करने को कहते हैं ज़राए अबलाग। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। मोबाइल फ़ोन को क्या कहा जाता है, टीवी, स्मार्टफोन, एसी, एलईडी। तो स्मार्टफोन कहा जाता है। चार्ल्स बेबिज ने किस सदी में अपना कंप्यूटर ईजाद किया था, 19वीं सदी में किया था। और नेक्स्ट है जी लास्ट 7th MCQ, आर्ट, ज़ुबान, ख़त, ईमेल, ये किसकी इकसाम है, ये ज़राए अबलाग की इकसाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी के साथ ही हम इसका बुक वर्क भी जल्दी से कर लेते हैं। बुक वर्क में भी आपके MCQs हैं जो कि मोस्टली यहाँ पर जो कि इन्हीं में से हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपके MCQ हैं पेज नंबर 29 पे। क्रिसमस त्यौहार है सिखों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, मसीहियों का, क्योंकि मसीहियों को हम इंग्लिश में क्रिश्चियंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिसमस जो है ये मसीही बरादरी के जो लोग हैं मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके MCQ है। पाकिस्तान का कौमी लिबास है पेंट कोट, शलवार, शर्ट पतलून, धोती कुर्ता या शलवार कमीज। वेरी इजी, शलवार कमीज। गारों में रहते हुए लोग अपने पैगाम पहुंचाते थे खतूत की शक्ल में, ईमेल की शक्ल में, आर्ट की शक्ल में। दुनिया में ज़ुबानें बोली जाती हैं, या आपका पहले भी MCQ है 6000 से ज़ायद। और टीवी की जदीद शक्ल LED है। नीचे दी है दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत का निशान लगाएं, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। मेल जोल मज़हब और ज़ुबान और रस्म व रवाज सकाफ़त कहलाते हैं। बिल्कुल, ये जो सारी चीज़ें हैं हमारा मज़हब, ज़ुबान और हमारे डिफरेंट ये जो रस्मात हैं ये हमारी सकाफत कहलाते हैं, कल्चर हमारा। टिक है, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, टिक। दुरुस्त है कि पाकिस्तान एक ऐसा खिता है जहाँ अकलियतों के हकूक का तहफ़ किया जाता है, टिक है। अकलियतें वो सारी कौमें हैं जो दूसरे मजाहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे हिंदू, सिख और ईसाई, यानी मसीही जो है, ये दूसरे मज़हब के लोग हैं, इन्हें अकलियतें कहा जाता है। तो पाकिस्तान में अकलियतों के हकूक का तहफ़ किया जाता है, टिक है। ईमेल खतूत की नस्बत पैगाम पहुँचाने का सुस्त ज़रिया है, गलत है, तेज़ ज़रिया है। और टेलीविज़न को किसी भी वक्त हर किसी से रबते के लिए इस्तेमाल, टेलीफोन को किसी भी वक्त हर किसी से रबते के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये गलत है। टेलीफोन को हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे आगे मैच द कॉलम है, ये आप आसानी से ख़ुद भी कर सकते हो। ठीक है, ख़त की जदीद शक्ल ईमेल है, टेलीविज़न जो है वो इसमें, आर्ट जो है इसमें जो है वो मुसव्वरी, मुजस्मा साजी और नावल नगारी है। टेलीविज़न जो है इसमें रंग बिरंगी तस्वीर आपको नज़र आती हैं, और खतूत जो है वो डाक खाने से वसूल होते हैं। ठीक है जी, आप इसको अभी कर लेना, आपका बुक वर्क है और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, इसको अपने घर पे रफ कॉपीज पे प्रैक्टिस करना है और इस चैप्टर की रीडिंग भी करनी है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।